एपीसी हमारे गड़ियासी में जो रोड जाता है ये सीधा रहते देर उदारकण रोड जाता है, तो हम चाहेंगे आगे सफर पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे अल्लाह के फजल से। मैं इस वक्त ये पीछे एक दरगाह है सही मौसम शाह की, ये गड़िया सिंह और ट्रखर या गड़िया सिंह से जैसे हम ट्रखर रहता दर जाते हैं तो रास्ते में हमें ये मिलती है। तो आज मैं बाइक पे जा रहा हूँ यहाँ किसी काम से, तो यहाँ से गुजरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी इस वक्त मैं मदेजी खड़ा हूँ और मैं अपने घर से निकला था ठीक ठाक। जैसे ही मैंने ट्रखर क्रॉस किया तो बहुत ज़बरदस्त बारिश होने लगी। इस बारिश के कारण मेरी जो बाइक थी, ये जो बाइक खड़ी है, ये भी बंद हो गई थी। इसको 4-5 किलोमीटर मैंने पैदल लेकर आया। ये पीछे मदेजी है, मदेजी मुझे एक मैकेनिक मिला, उसने मुझे ठीक करके दिया। पानी का मसला था तो आज ज़बरदस्त पोजीशन थी। कुछ बरसात में ये हो गई। ये थैलिया है जिसमें मैंने मोबाइल को कवर किया था, मोबाइल पैसे वगैरह एंड फ्री थी मेरे पास। तो अभी जाते हैं अगले सफ़र पर। तो सफ़र के दौरान ये भी होता है अक्सर। तो इस वक्त मैं अपनी ही पीछे ट्रक कर रही है। तो अभी इस वक्त मैं मदेजी से तकरीबन मदेजी से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे निकल आया हूँ दरकाने की तरफ। और ये मेरी बाइक है। और पीछे कुछ नज़ारा ये है। जिंदगी में पहली मर्तबा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं जैसे ही ट्रकर मैंने क्रॉस किया तो ज़बरदस्त गजबनाक बारिश शुरू हो गई। मेरे हाथ में मोबाइल थी उसी वक्त, मैंने मैंने उधर उधर देखा, कोई दुकान या कोई ऐसा वगैरह कोई चीज़ नहीं थी या कोई ऐसा वो पेड़ हो जिसके मैं बारिश से बचने के लिए, क्योंकि मेरे पास मोबाइल और दीगर कुछ सामान थे। तो मैंने बाइक स्पीड चलाई, वो एक मुझे शॉप नज़र आया, उसके पास गया, उससे मैंने शॉप कर ली। मैंने मोबाइल और पैसे वगैरह जो दीगर सामान थे मैंने उसको जो है ना कवर किया, और उसने बहुत उसका शुक्रिया, नाम तो मुझे नहीं मालूम, और वो मेरे लिए अजनबी था। और तकरीबन मैं निकल गया 4-5-6 किलोमीटर, मैंने गाड़ी चलाई तो गाड़ी भी बंद हो गई। तो ये जो पीछे मोटरसाइकिल खड़ी है इसको मैं 4-5 किलोमीटर में पैदल लेकर आया हूँ, और मदेजी जब मैं पहुँचा तो इसको मैंने ठीक करवाया। पानी की वजह से बंद हो गई थी। अभी आगे मिलते हैं आपको वीडियो के ज़रिए। और ये जो घड़ी है इसमें पानी चल गया है। ये जो आज 7 तारीख और 7 बज चुके हैं और बारिश ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये कुछ हालत हो चुकी है बरसात में, आप देख सकते होंगे। और बरसात का और ये पीछे बरसात, तो बरसात आज माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बरसात हुई है। और पिछले कुछ दिनों से, एक हफ्ते से कह सकते हैं या 10 दिन से आप कह सकते हैं कि हद से ज़्यादा गर्मी थी। अभी कुछ जो गर्मी में कुछ नहीं, बहुत सारी बेहतरी आ चुकी है। तो इस वक्त मैं दुकान पे बैठा हूँ, तो मैं जनरल स्टोर में गया था, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। जैसे ही मैं दुकान पे करा तो बारिश होना शुरू हो गई, तो अभी मैं घर तो नहीं जा सकता। तो कुछ दिन यहाँ पे बैठ के मैं इंतज़ार करूँगा, बारिश जैसे कम होती है तो फिर मैं घर जाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वक्त 9 तारीख है और अभी 10:15 पड़े हैं। तो अभी इस वक्त मैं अपने घर पे बैठा हूँ और नाश्ता कर रहा हूँ। तो 2 दिन पहले की बात थी जब मैं 9 देर हो गया था। तो वैसे मेरा इरादा नहीं था 9 दिन जाने का,
पर जैसे ही मैं गया नौंदे रोजाने के लिए तो ढक्कन आता है, ढक्कन से हमें जो है ना पीछे एक रास्ता जाता है सीधा मधे जी से होकर नहींद्र हो जाता है। तो जैसे ही मैंने ढक्कन पहुंचा, मैंने ढक्कन क्रॉस किया, मौसम तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था और ढक्कन में पहुंचा ही तो बारिश होना शुरू हो गई। मैंने गाड़ी को स्पीड दी, मैंने कहा कोई दुकान मिल जाए, कोई ऐसी कोई चीज़ भी कोई दुकान वगैरह मिल जाए तो उसके पास मैं जाके शॉपर ले लूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे, मोबाइल और हैंड फ्री कुछ दीगर सामान थे। तो एक दुकान वाला नज़र आया, उसके पास मैं गया और उससे मैंने शॉपर ली, मैंने मोबाइल और पैसे वगैरह को मैंने कवर किए थैली के ज़रिए, फिर मैं निकला। तकरीबन 10 किलोमीटर मेरे हिसाब से, 8-9 किलोमीटर मेरे हिसाब से मधे जी होगा, ढक्कन से मधे जी। तो 4 किलोमीटर मैंने अंदाजन तकरीबन मैंने 3-4 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई तो गाड़ी भी बंद हो गई, क्योंकि अंदर उसमें पानी चला गया था, क्योंकि बारिश हो रही थी अच्छे ज़्यादा और गाड़ी में अंदर पानी चला गया तो उस कारण गाड़ी भी बंद हो गई, बाइक जो थी मेरे पास। अभी मधे जी में जैसे पहुंचा तो मुझे मैकेनिक मिला, मैकेनिक से मैंने गाड़ी ठीक करवाई, उसके बाद जो वो आप लोगों को देख लिया। फिर मैंने, क्योंकि सारे मेरे कपड़े भीगे थे और मेरी मोबाइल भी तकरीबन भीग चुकी थी, तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट करें, और देखने के लिए बहुत शुक्रिया।